दोस्तों आज हम बात करने वाले बोया माइक के बारे में, और इसको हमने कहाँ से परचेज़ करना है, कहाँ से लेना है, तो इसके बारे में सारा कुछ डिटेल से मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेवन एंजल। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। ये मैंने दराज से परचेज़ किया है तकरीबन 860 रुपए का। तो ये लोकल में भी आपको मिल जाएगा या किसी और ऐप से भी आपको मिल सकते हैं, अलीबाबा हो गया, मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो कंपनी है वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन मैंने दराज से जो ना इसको दोस्तों इसकी पैकिंग तो मैंने खोल रखी है, मैंने आप लोगों के लिए दोबारा इसको इसमें रखा था ताकि आप मैं इसको रिव्यू दे सकूँ। तो ये एक कवर में आता है जो मजबूत प्लास्टिक होता है ताकि ये रास्ते पे इस पे कोई पानी वगैरह ना चला जाए। तो दोस्तों आपने स्टिकर को गौर से पढ़ना है, ये बोया माइक का ओरिजिनल कंपनी का स्टिकर है। आप इस पे जो QR नज़र आ रहा है आपने इसकी तरीके से जो है ना इसको स्कैन करके मोबाइल में इसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन पड़ा होता है, आपने इसको QR से स्कैन करके आपको इंशाल्लाह ओरिजिनल माइक का जो पूरा डिटेल है वो मिल जाएगा। तो चलो हम डब्बे को खोल लेते हैं ताकि डब्बे में हमको क्या क्या मिलता है। ये एक पर इसमें जो है ना हमें ये तीन हार्डवेयर मिले जिसमें शामिल है मेरे ख्याल में एक माइक है, एक सेल है। तो ये सेल हो गया, ये माइक फोम हो गया, इसको हम माइक के ऊपर चढ़ाएंगे, ठीक है। ये DSLR हो गया, एम्पलीफायर हो गया, उसमें अगर आपने इस पिन को यूज़ करना है तो आप इस पिन को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्लिप हो गया जहाँ पे हम इसको होल्ड करेंगे ना, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि डब्बे में हमें और क्या क्या मिलते हैं। एक लेदर पाउच है जिसमें मेरे ख्याल में माइक पड़ा है, और एक हम इसको साइड पर रखते हैं ताकि हमको मज़ीद प्रॉब्लम ना हो इससे। ये बोया जो है ना यूज़र गाइड है, आप इसमें जो है ना जितना भी अगर माइक को आप किस तरह यूज़ करेंगे वो सारा कुछ इसमें लिखा है। वारंटी कार्ड है, तो हमको तो वारंटी नहीं मिली क्योंकि विदाउट वारंटी है। ये लेदर पाउच है जहाँ पे आप इसको कैरी करना चाहते हो माइक को, तो आसानी से कैरी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड पर। ये बोया माइक हो गया, इसके साथ तकरीबन 3 मीटर केबल है, और माइक में जो बटन लगा है अगर इसको आप रखेंगे तो हम इसको स्मार्टफोन पे मोबाइल पे यूज़ करेंगे, अगर ऑन करेंगे तो हम इसको जो है ना एम्पलीफायर वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि जो आपको मुश्किल लगे। ये अच्छी क्वालिटी का माइक लगा है इसमें, तो हम इसमें जो क्लिप है उसको कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से आपने भी लगाना है, ठीक है। केबल की क्वालिटी भी ठीक है, 3 मीटर केबल है, लंबा केबल है। अगर आप इसको मोबाइल में लगाते हो, साइड पर बैठ जाते हो मोबाइल के, तो आपको जो है ना ये तार काफ़ी लंबा पड़ेगा। हम इसको ओपन करते हैं ताकि आपको जो है ना मैं बताऊं कि हमें इसमें सेल कहाँ लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेल लगाना है, लेकिन सेल आपने तब यूज़ करना है अगर आपने MP4 पे या कोई लाउड स्पीकर में यूज़ करना है ना, तो तब इसको आपने जो है ना सेल लगाना है। वैसे आपको सेल की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप फ़ोन पर यूज़ करेंगे तो सेल की जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये फोम हो गया, इसको आपने इस तरीके से चढ़ाना है, ठीक है, ऊपर आराम से चढ़ाएं क्योंकि ये बहुत नाजुक फोम होता है। एक दफ़ा लगा दिया तो फिर ना दोबारा उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है साउंड की, और ये पिन भी आप इसमें जो है ना यूज़ कर सकते, लेकिन अभी हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो पहुँचती रहे।
दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।